जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का लिया है हमने ये वाला चंदन पैक, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और ये खासकर आपके ऊपर गर्मियों में वर्क करता है, तो इतना सा हम इसमें डालेंगे। सो इसके बाद हम डालेंगे बेसन। कान के कोक के बिना ये लग में ही। सो अभी जो है हल्दी ऐड करेंगे इसमें, हल्दी आप थोड़ा ऐड करें, ज़्यादा ना करें, ओके। और इसमें अब हम डालना है हमें गुलाब जल। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। सो फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी ये गैंठे सी ना हो और बबल्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लगाएंगे, ओके। आप अगर फुल बॉडी पे लगाना चाहते हैं, अगर आपको फुल बॉडी पे ग्लो चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं। और रही साइड इफेक्ट की बात, तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होता है और आप इसको हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा उबटन बनता है, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सीधा करो, तो इस तरीके से हम इसको फुल हैंड पे लगाएंगे। आप इसको पैरों पे, हाथों पे, जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे इसको लगा सकते हो। अगर आपको ग्लो चाहिए, आपको जहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है या आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई है, तो उस तरीके का भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर से घुमा, तो अभी आप देख सकते हो पूरे हाथ पे लग चुका है। अब हम लगाएंगे दूसरे हाथ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरे हाथ पे, दोनों हाथों पे लगा दिया है। अगर पैरों पे आपके बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है तो आप पैरों पे भी लगा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग भी डालना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ उनको भी देखा कीजिए। बट अगर आप मेकअप से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप को प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करें, ओके। प्लेलिस्ट में आपको नंबर वाइज वीडियो मिल जाएगी, जैसे भी डिटेल के साथ मैंने सारी चीज़ें डाली हुई है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ढूंढने की, तो आपको आसानी से मिल जाएगी, ओके। तो फाइनली जो है हमारा पूरा पैक लग चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके से हमने दोनों हाथों पर लगा दिया। अब इसका वेट करना है सूखने का, ओके। सो गाइस फाइनली हमारा जो ये पैक है इस तरीके से हल्का हल्का सूख चुका है, और हम इसको ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, बस इतना ही सुखाना है और हमें इसकी अच्छे से स्क्रब करके मसाज करके उतारना है, ओके फ्रेंड्स, हल्का सा रफ करके, ओके। सो गाइस इस तरीके से हमें अच्छे से दोनों हाथों को स्क्रब करके मसाज सी करनी है, और इसके बाद इसको अच्छे से वॉश करना है।
दोनों हाथों पे हमें इस तरीके से मसाज देनी है। ओके, आप देख सकते हो इस प्रकार से आपकी टैनिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और आपकी जो है हाथ या पैर जहाँ पे भी आपने इसको इस्तेमाल किया है वो आपकी ग्लोइंग लगने लगेगी। ओके, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। फाइनल रिजल्ट भी हम आपको इसको ज़रूर दिखाएंगे, अब बने रहना अभी। सो गाइस, ये इसका फाइनल रिजल्ट है जो कि धोने के बाद आया है। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।